नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को लोगों से ही दिख रहा होगा कि अब मैं यहाँ पास हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय जो यूपीएससी में है तो उसके बारे में कुछ मतलब बहुत ही अच्छी जो चीज़ें हैं और लोगों में विभिन्न प्रकार की विषय को लेकर के भ्रांतियाँ हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पास काफ़ी मतलब अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ और इसके बारे में लोगों को और बारीकी से बताना चाहूँगा और इसकी जो भी गहराई है उसको एकदम अच्छे से स्पष्टता के साथ उभारूँगा। साथ ही हिंदी साहित्य, जैसे कि कुछ लोगों की ऐसी भी अवधारणा है कि एक सब्जेक्ट से हट करके यूपीएससी के ऑप्शनल है कि और सब्जेक्ट जैसे होते हैं तो पैरेलल चलते हैं तो जीएस में भी हेल्प करते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य हेल्प नहीं करता है, तो ऐसी भी भ्रांतियाँ लोगों में हैं, तो उसको ही हम लोग थोड़ा स्पष्ट करेंगे। और साथ ही हम हिंदी साहित्य की जो ऑप्शनल है उसके जो सिलेबस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट मतलब जो स्पष्ट तौर पे दिया गया है तो उसके बारे में ही हम यहाँ पास इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कि जो अपना ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी तक ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र मतलब कि जैसे हमारे कोई भी जैसे हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम, जैसे कि अपना यूजीसी नेट हो गया या कि और डिफरेंट एग्ज़ाम जिनमें हिंदी की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें हिंदी की बारीकी से कैसे उसकी आलोचना हो, समालोचना हो, है ना, उसको किस कैसे देखा जाए, कैसे क्वेश्चंस की को एनालाइज किया जाता है उसके बारे में हम बारीकी से यहाँ पास देखेंगे। साथ ही साहित्य की हर बारीकियों को छूने के साथ ही व्याकरण के भी कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको भी बीच बीच में डिस्कस किया जाएगा। और निश्चित तौर पे दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज बन रही है तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ख़ास तौर पे यूपीएससी के ऑप्शनल हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए और यूजीसी नेट के छात्रों के लिए और यहाँ तक कि यूपी पीसीएस ऑप्शनल, बीपीएससी ऑप्शनल, विभिन्न स्टेट के पीसीएस में जो ऑप्शनल है उसमें भी ये जो वीडियो सीरीज जो है तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और यहाँ पास अब यदि हम दोस्तों देखते हैं कि ये हिंदी साहित्य जो है तो एक तो साहित्य की जो प्रासंगिकता है तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्यों ये कैसे हमारे जीवन में हेल्पफुल होता है ना, कैसे ये साहित्य की उपयोगिता है, कैसे हम यदि इसमें प्रशासनिक क्षेत्र में भी जाते हैं तो साहित्य कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन क्षेत्रों में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि कहा जाता है कि एक कविता सॉरी हो तो बस कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुख विषाण हीना, तो ये तो साहित्य की महत्ता अपने आप में भी है, उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और विभिन्न हमारे कवियों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि एक और है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो साहित्य की तो भूमिका दोस्तों प्राचीन और वर्तमान अब भविष्य में बनी ही रहेगी, इसकी महत्ता कभी कम होने नहीं है, कम होने वाली नहीं है। और ये जब तक इंसान की भावनात्मक चीज़ें हैं तो उसमें निश्चित तौर पर इन चीज़ों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये आंतरिक सुख देता है और ये साहित्य निश्चित तौर पे हमारे जीवन के हर पार्ट से, हमारे समाज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो साहित्य में हम डिस्कस देखते हैं कि साहित्य एक तो ये हमारे समाज की बातें हो गई और दूसरा साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता की खासतौर पर यदि हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदी मीडियम में हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य विषय जो है तो काफ़ी अब स्कोरिंग भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाँ ये है कि 2016 के जो यूपीएससी के आंकड़े थे तो उसके हिसाब से इसकी सिलेक्शन रेशियो में थोड़ी सी गिरावट आई थी, लगभग 2% के आसपास था, लेकिन ये हाल ही 2017-18 के आंकड़ों में इसमें काफ़ी इसमें बढ़त देखी गई है, इसमें लगभग 22% जिसका सिलेक्शन रेशियो है जो कि बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। अब तो इसमें तो हिंदी माध्यम तो ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी इसमें बहुत ही अच्छा वो कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2018 के उस पर लगभग 343 नंबर लाया, यानी काफ़ी ये स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हमारे समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, हमारे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ ये हमारी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और 500 तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वो विषय है। ठीक है, तो इसमें अब हम यदि देखते हैं कि साहित्य के बारे में थोड़ा सा हम
और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसके सिलेबस में, तो कि कैसे कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है और अलग डायमेंशन में देखें। तो पहली बात तो ये हमारे एक प्रकार से हमें जो हमारी नैतिकता है तो उन मामलों में भी ये बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब काफ़ी सतर्क करता है, जैसे कि हमारी मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बनाता है ना, क्योंकि इसमें जैसे विभिन्न कहानियाँ हम पढ़ते हैं, विभिन्न उपन्यास देखेंगे है ना, नाटक देखेंगे, तो उसमें पूरा एकदम समाज ही देखे, साहित्य को तो वैसे भी समाज का दर्पण ही कहा जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो हर चीज़ें हर डायमेंशन से देखने का एक ओवरव्यू भी हमें मिलेगा है ना। तो यहाँ पास एक बहुत ही बेहतरीन, इसकी कई डायमेंशन से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जो कि हमारे एक यूपीएससी जो आए एडमिनिस्ट्रेशन उस पे जाने पे जो जो चुनौतियाँ हमें आती हैं, तो वो हमें यहाँ पास ऑलरेडी उनको विभिन्न दृष्टिकोण से देखने का यहाँ हमें अवसर भी मिलता है, तो विभिन्न कहानियों के माध्यम से है ना, जो भी रचनाएँ होती हैं, तो ये इसलिए इन मामलों में भी हमें एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके जो सिलेबस है यूपीएससी का ऑप्शनल का, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसके प्रश्न पत्र एक पे चलते हैं, तो इसके प्रश्न पत्र एक में जो है तो पहला है खंड का, जिसमें हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है, तो इसके बारे में तो डिस्कस किया जाएगा, जिसमें से अपनी जैसे भाषा का विकास कैसे हुआ है, तो इसके बारे में अभ्रंश अवहट है ना, ये चीज़ें हैं, और उसमें पूरी चीज़ों का वर्णन, उसके कैसे व्युत्पत्ति वगैरह हुई, तो इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और फिर जैसे मध्यकालीन भाषा अपनी जो थी ब्रज और अवधी, इनकी भाषाओं के बारे में, और अपने जो आदिकाल की है सिद्धनाथ साहित्य खुसरो संत ये जो हैं, तो इनके बारे में भी डिस्कस होगा, साथ ही अपनी दक्षिणी हिंदी के बारे में भी, और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का जो प्रारंभिक स्वरूप है उसके बारे में भी यहाँ पर देखा जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें अपनी 19वीं शताब्दी में जिस प्रकार से खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास हुआ उसके बारे में भी देखा जाता है, और हिंदी भाषा का मतलब कि ये पूरा भाषाई पोर्शन का वो है खंड का इसका प्रश्न पत्र एक का, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास है, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास है ना, और इसका जो वैज्ञानिक और तकनीकी स्वरूप है ना, इसकी बोलियाँ विभिन्न प्रकार की, और इसमें से लिपि की प्रमुख विशेषताएँ हैं, उसके सुधार के प्रयास हैं है ना, और उनकी व्याकरण की संरचना कैसी है, तो इस प्रश्न पत्र के खंड का यह पोर्शन है। तो इसमें ये चीज़ें कि यूपीएससी का ही सिलेबस है, जितनी चीज़ें यूपीएससी से टू द पॉइंट बोली वही चीज़ें देखी गई हैं, इसमें से ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं, बल्कि दोनों कई चीज़ों को एक साथ यहाँ पर कंपाइल करके देखा जाएगा अलग, जैसे कि साथ में जो यूजीसी वगैरह में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं है ना, और बाग एनालिसिस करने की जो जिस तरह से क्वेश्चन को किस तरह से डिस्कस करें, किस तरह से उसको किया जाए, तो उस बारे में भी काफ़ी अच्छे से देखा जाएगा साथ ही में इसके। और दूसरे पोर्शन में देखते हैं खंडखा में, तो इसमें जो है तो हिंदी साहित्य के प्रासंगिकता संबंधित ये इतिहास लेखन की परंपरा है ना, और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो फिर कालों के बारे में जैसे अपना है आदिकाल है ना, आदिकाल है, और उसके बाद फिर अपना भक्ति काल आ जाता है ना, तो भक्ति काल के जो कबीर जैसी सुर तुलसी हैं इनके बारे में, और रीति काल में अपने चले जाएंगे तो रीति काल में अपना रीति काव्य बद्ध रीति मुक्त ये काव्य में से केशव बिहारी पद्माकर और घनानंद के बारे में है ना, और उसके बाद फिर अपना आधुनिक काल में नवजागरण हो जाएगा जिसमें भारतेंदु मंडल का चलता है, और फिर जो महत्वपूर्ण लेखक होंगे जैसे कि भारतेंदु हैं, कृष्ण बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस हो जाएगा। और उसके बाद फिर चलती है आधुनिक हिंदी कविता की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, जिनमें से छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता, इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण जो ये लेखक हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया जाएगा, जो कि प्रायः पूछा जाया करता है ना, और ये तो पूरा अब साहित्यकार हैं, तो इनकी तो जब तक हम साहित्यकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो उनके साहित्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो उनका बैकग्राउंड भी जानना बहुत ही आवश्यक होता है, तो उसमें इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो उसमें इसके जो कथा साहित्य का पोर्शन है, तो उसमें से उपन्यास और यथार्थवाद में थोड़ा सा इनकी जो बारीकियाँ हैं उसमें देखा जाएगा, और हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास कैसे है ना, और प्रमुख उपन्यासकारों में से जैसे अपने सिलेबस के हैं प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु और भीष्म साहनी, इनके बारे में डिस्कस होगा। और उसके बाद हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और प्रमुख कहानीकार जैसे अपने हैं प्रेमचंद,
है ना, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद वात्स्यायन, और यहाँ पास मोहन राकेश और कृष्णा सोबती, ठीक है। तो ये प्रमुख कहानीकार, इनके बारे में भी डिस्कस होगा। उसके बाद चलते हैं नाटक पे, तो नाटक और रंगमंच में तो अपने यहाँ पास इसमें जो नाटक है उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, और साथ ही प्रमुख का नाटककार, जैसे कि जिस तरह उपन्यास में अपने प्रेमचंद्र को रखा जाता है, उसी प्रकार से नाटक में हमारे जयशंकर प्रसाद जी का स्थान है। तो उसी प्रकार से तो बहुत ही नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद तो बहुत ही ज़्यादा, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ ही भारतेंदु तो महत्वपूर्ण हैं ही, जगदीश चंद्र माथुर हैं, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश हैं, तो इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और फिर हिंदी रंगमंच के विकास के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा। तो इसमें से ये है, उसके बाद फिर आलोचना के पार्ट में देखा जाएगा। तो हिंदी आलोचना का उद्भव विकास है, और कुछ इसके दर्शन भी इसमें देखी जाएंगी, है ना। और फिर साथ ही प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, इसकी आलोचना और नई समीक्षा के बारे में देखा जाएगा। और मुख्य तत्व तो फिर उसके बाद आएंगे प्रमुख आलोचकों के बारे में, जैसे कि हमारे पुरोधा ही हैं साहित्य, उसमें साहित्य के उसमें साहित्यकारों में से, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम विलास शर्मा जी हैं, नगेंद्र जी हैं, तो इनकी इन आलोचकों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद फिर हिंदी गद्य की जो अन्य विधाओं में से, जैसे ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया जाएगा। और अब चलते हैं दोस्तों जो पेपर टू है, उसके प्रश्न पत्र दो में ये जो है तो पद्यखंड का पोर्शन, जैसे यहाँ पास तो पद्यखंड में से, अब इसमें से तो दोस्तों यहाँ पास जैसे इसमें कबीर की जो ग्रंथावली है तो उससे 100 पद हैं, है ना, तो इसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ही, है ना। और फिर सूरदास की भ्रमर गीत भी 100 पद हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कस होगा। साथ में ये तो पद तो थोड़ा से रटने वाले पोर्शन, हाँ ये है कि इसके डायमेंशन जो समझने वाले हैं तो उनके बारे में कैसे उनको मतलब टेकल किया जाए, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपने तुलसीदास के रामचरितमानस का सुंदरकांड का पोर्शन है ना, और कवितावली का उत्तरकांड का पोर्शन है, तो ये भी डिस्कस इसके बारे में, थोड़ी ये रचनाएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो इनको भी देखा जाएगा, इनके जो भी डायमेंशन जैसे होंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद पद्मावत है झांसी का, तो इसके बारे में भी देख लिया जाएगा। फिर अपने बिहारी जी हैं रीतिकाल के, तो पुरोधा ही हैं, तो इसमें बिहारी रत्नाकर की भी 100 दोहे इसके भी हैं, और मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती भी है ना। और फिर प्रसाद की कामायनी है, तो ये तो महाकाव्य महत्वपूर्ण है ही, इसके चिंता और श्रद्धा सर स्पेशली अपने सिलेबस पे ऐड किया हुआ है ना। और फिर त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी जी का ये राग विराग है, और राम के शक्ति पूजा इनकी जो रचना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में तो देखना बहुत ही ज़रूरी। इससे तो पद्यखंड में भी आता है, अपने पद्यांश व्याख्या में भी आता है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसके बारे में भी देखा जाएगा। और फिर इनकी जो रचना है कुकुरमुत्ता, उसके बारे में भी देखा जाएगा ना। और फिर रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र का पोर्शन भी उसी तरह से, तो उसमें थोड़ी सी रचना है, तो उसके बारे में फिर डिस्कस, उसके क्वेश्चन वगैरह देखे जाएंगे। और फिर अज्ञेय की असाध्य वीणा, बहुत ही अच्छी कविता है ये जो है, तो हमारे जीवन में जिस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, या कि एकदम वो कहते हैं कि अपने को बिल्कुल कुछ ना मान करके जो हो रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन ये कविता है, इसको पढ़ने पे अलग ही अनुभव होता है। उसके बाद मुक्तिबोध का ब्रह्मराक्षस है, ये भी इनका बहुत ही बिंबात्मक और रचना मानी जाती है। और उसके बाद नागार्जुन की प्रमुख रचना, जैसे बादल को घिरते देखा है काल, और उसके बाद हरिजन गाथा, इसके बारे में है ना, ये इनकी कविताएं हैं। और फिर खंड खा में देखते हैं तो गद्य साहित्य का इसका पोर्शन है, तो वो तो पद्य था का वाला। अब इसमें गद्य साहित्य के पोर्शन में जैसे है कि आपस देखिए, यहाँ पास दोस्तों जो हमारे जो लेखक है कवि हैं, तो ये थोड़ा इनकी जो है ना, एक बार यदि हम इनके बैकग्राउंड को समझ लेंगे तो फिर रिपीट भी होते हैं, तो मोटा मोटा यदि उनको उनके बारे में आइडिया हो जाता है, तो फिर हम क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए ना, यदि हमको उनकी फिलासफी के बारे में, उनके दर्शन के बारे में पता है, तो उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और किसी भी डायमेंशन से पूछें हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास फिर से भारतेंदु के बारे में रिपीट हो रहा है ना, उनकी भारत दुर्दशा है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ना, तो नाटक है, तो इसमें से भी देखा है मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन एक दिन, बहुत ही बेहतरीन नाटक है, इसके बारे में भी, इसके क्वेश्चंस के बारे में किस तरह से क्वेश्चन उठते हैं ना, वो प्रश्न पत्र पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर में जिस तरह क्वेश्चन उठे हुए हैं उनमें भी डिस्कस किया जाएगा, फिर उसको किस तरह से हैंडल किया जाए इसके बारे में बातें होंगी, ठीक है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसमें आपको कहानियाँ जो हैं
इसमें ऐड है ना, ये सिलेबस पे, और उपन्यास हैं और नाटक हैं, ये तो पढ़ना कंपलसरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो सोचिए समझ में आती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक बार जब इसका आइडिया हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन समझ में आता है ना, वो फिर करवाया जाएगा। लेकिन ये अपने से पढ़ लेने में थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ईजी हो जाती हैं चीज़ें है ना। उसके बाद शुक्ल जी का ये चिंतामणि है ना, जिसमें जो कविता क्या है और श्रद्धा भक्ति है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर निबंध निलय है ना, तो इसके बारे में हो जाएगा। और फिर प्रेमचंद की ये रचना है गोदान उपन्यास जो है, तो और उनकी जो कहानियाँ हैं ना, ये अपने गद्य खंड हैं, तो इनके बारे में देखा जाएगा। प्रसाद जी का है, और उसका प्रसाद जी का स्कंदगुप्त नाटक है ना, और यशपाल की दिव्या ये भी उपन्यास ही है, और फणीश्वरनाथ का रेणु जी का महिला आंचल उपन्यास है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आया करते हैं प्रायः। और मनु भंडारी जी का महाभोज है, और ये राजेंद्र यादव के एक दुनिया समानांतर की कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर ये देखें तो ये जो कहानी है उपन्यास नाटक, तो इसके बारे में तो ये पूरा जब पढ़ लिया जाएगा तो उसके बाद जब क्वेश्चन को देखा जाएगा तो क्वेश्चन में काफ़ी कुछ मतलब उसमें किस तरह से उसके आंसर देने, उसके मतलब चरित्रों के बारे में, उसके कथानक के बारे में है ना, उसके क्या कैसे घटनाक्रम है, इसको समझ लेने के बाद फिर चीज़ों को मतलब अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, और उसके बारे में फिर आइडिया दिया जाएगा है ना। तो यही चीज़ें यूपीएससी का पूरा ये सिलेबस ही है दोस्तों। तो ये आप लोग इसके बारे में जो भी जैसे अपनी बुक हैं, जो बुक ना हो तो आप मार्केट से परचेज़ कर लें और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें है ना दोस्तों। तो जिससे कि जब समझाया जाए, क्योंकि अब यहाँ पास पूरी कहानी और पूरे नाटक तो पढ़ाना पॉसिबल है नहीं है ना, ये आप लोगों को पता है। और आप लोग अब उस लेवल पे जितने यहाँ पास हमारे जो व्यूअर होंगे, तो निश्चित तौर पे मैं ये तो मानता हूँ कि वो इतने छोटे तो हैं, उनको तो इतना आइडिया होगा कि वो यूपीएससी की अब तैयारी ही कर रहे हैं, तो ये जो सामान्य सी चीज़ है तो वो तो कंप्लीट कर ही लेंगे है ना। तो ये जैसे कहानी नाटक और उपन्यास यहाँ पास वो तो उनका पूरा पढ़ा जा नहीं सकता। हाँ, उनके क्वेश्चन आंसर के जो किस तरह से तरीके से आते हैं यूपीएससी में, फिर किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है, तो इसके बारे में ज़रूर डिस्कस होगा। हाँ, ये उसका थोड़ा थोड़ा समरी दे दिया जाएगा, जैसे कोई भी कहानी है या उपन्यास है नाटक है, समरी दे दिया, लेकिन उसको बेहतर तरीके से यदि और बारीकी से जाना तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो उसको जब पढ़ लिया जाएगा तो उसके बाद इनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। और ये विषय बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही मज़ेदार विषय, रोचक विषय है, जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज हों तो यहाँ पास कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके हिसाब से वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको दूर किया जाएगा। और जो भी यूपीएससी की इस ऑप्शन से संबंधित जो भी प्रश्न है तो उनको आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।